अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गरेबान में मतीउल्लाह जान। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, चाहे वो सिंध की सूरत हाल हो या इस्लामाबाद में इक्तदार के ऐवानों की कहानियाँ। एक नया सवाल पैदा हो रहा है कि किस हद तक वो लोग जो पार्लियामेंट में मुंतखब होके जाते हैं, आइन के दिफा का और मुल्क की खिदमत करने का हल्फ उठाते हैं, जो वज़ीर आज़म बनते हैं, जिनको उनकी सियासी जमातें नामज़द करती हैं, वो अपना फ़ैसले करने में खुद मुख्तार होते हैं और आज़ाद होते हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का हुकूमतों में क्या किरदार होता है, और जो हुकूमती अहदेदार हैं क्या वो अपनी सियासी जमातों या अपने सियासी कायदीन को जवाबदेह होते हैं या पार्लियामेंट और आवाम को जवाबदेह होते हैं उस हल्फ के पीछे जो शायद उनके सियासी जमातों के सरबराहान ने नहीं उठाया होता। मैं एक मिसाल दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध के अंदर बड़े अहम फ़ैसले होने हैं और हम ये देखते रहे हैं कि हत्ता के इंतज़ामी फ़ैसलों के लिए भी सिंध के साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह दुबई के चक्कर लगाते थे और आसिफ अली जरदारी से मशवरा लेके उनकी इजाज़त से वो फ़ैसले भी करते थे जो शायद उनको ख़ुद बतौर वज़ीर आला मुफाद आमा में करने चाहिए और जिसके लिए उन्होंने वज़ारत आला का एक हलफ भी उठा रखा था। इसी तरह अगर हम तहरीक इंसाफ को देखें तो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब आजकल मीडिया से गुफ्तगू फरमाते हैं और ऐसे ऐसे ऐलानात भी करते हैं पब्लिक फंड्स के हवाले से, अवामी फंड्स के हवाले से, जो शायद वज़ीर आला को करने चाहिए, क्योंकि बतौर वज़ीर आला उन्होंने एक हलफ उठाया है और वो अवामी फंड्स के कस्टोडियन हैं और कानूनन वो जवाबदेह हैं पब्लिक फंड्स के, उनकी सियासी जमात का सरबराह नहीं। यही मामला हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को इस्लामाबाद में हम देख लें। जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने इलाज के लिए लंदन में मौजूद थे तो यहाँ पे पार्टी के अंदर एक केओस था। हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म की गैरहाजिरी में तो ये तो मालूम ही नहीं था कि कौन इंचार्ज है या वज़ीर आज़म की जगह नायब वज़ीर आज़म कौन है। हुक्मरान जमात का इजलास भी उस तरीके से नहीं हुआ जहाँ पे कुछ आम फैसले किए जाते या उस इजलास की सदारत भी कोई करता। दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरान जमात वो जमात है जिसका सरबराह भी हुकूमत का सरबराह भी है। महज़ माशरों में और जमहूरी माशरों में सियासी जमात का अपना किरदार होता है और हुकूमत का अपना किरदार होता है। सियासी जमातें इलेक्शंस में एक मंशूर एक पॉलिसी देती हैं जिसकी बुनियाद पर उनको मुंतखब किया जाता है और जब वह हुकूमत में आती हैं तो फिर उस मंशूर उस पॉलिसी पे अमल दरामद की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है, उन अहदेदारों की, कि जो वज़ीर आला होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, वफाकी वज़ीर होते हैं, जिन्होंने आइन के दायरे कार में और अपने हलफ के दायरे कार में रह के अवाम की खिदमत करनी होती है और बड़े बड़े अहम फ़ैसले करने होते हैं। और इसलिए जब हलफ उठा रहे होते हैं ये वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म तो वो ये कहते हैं कि अपने फ़ैसलों में वो बग़ैर किसी खौफ के और बग़ैर किसी लालच के मुफाद आमा के अंदर वो ये फ़ैसले करेंगे। मगर फिर अगर फ़ैसले वज़ीर आज़म या वज़रा आला ने नहीं करने, उनकी सियासी जमातों के सरबराहों ने करने हैं, पाकिस्तान से बाहर करने हैं, तो फिर सवाल पैदा होता है कि इस सारे इंतखाबी अमल का फ़ायदा क्या? क्या ये लोग हुकूमत में रह के पार्लियामेंट को जवाब दे हैं या कुछ अफराद को जो दुबई या लंदन में बैठे हैं और जिनकी मुदाखलत इस हद तक बढ़ चुकी है हुकूमती मामलात के अंदर कि वो अब रोज़मर्रा की ट्रांसफ़र और पोस्टिंगें भी करते हैं। आज इसी मौजू पे हम बहस करेंगे और मेहमानों का तारफ़ भी कराते चलें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स ग्रुप के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक टूटा हुआ सितारा है जिन्होंने अपनी ही अब एक कहकशां बना ली है। उनके साथ तशरीफ़ फरमाएं ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान, दिफाई तजियाकार हैं और बतौर दिफाई तजियाकार सियासी जमातों के मामलात पे गहरी नज़र रखते हैं। और हम जानते हैं हमारा सियासी माजी ऐसा है कि बहुत सी सियासी जमातें तो बनाई ही उस वक्त के दिफाई माहरीन और तजियाकारों ने थी। हमें ज्वाइन किया है कराची स्टूडियो से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट जनाब सेनेटर साबिर बलोच साहब ने, जो कि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान हैं और आजकल बड़े अहम फ़ैसले सिंध में हो रहे हैं। वज़ीर आला भी तब्दील हो चुका है, रेंजर्स के अख्तियारात के हवाले से जो मामलात हैं, मगर वहाँ का भी तासुर ये है कि शायद ये तमाम फ़ैसले भी कराची में नहीं दुबई में होंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एक और बड़ी अहम सियासी जमात, कराची की बड़ी जमात एमक्यूएन ने, जिसके बारे में कहा जाता है
कि शायद पार्टी की सतह पर वो फैसले नहीं होते और ना ही वो कराची में होते हैं, वो फैसले भी लंदन में होते हैं जहां एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन मौजूद होते हैं। तो इस सवाल के साथ कि आखिर इन सियासी जमातों को हकूमती मामलात में रोज़मर्रा के फैसले करने का कितना अख्तियार है, और जो लोग वज़ीर आज़म या वज़ीर आला बनते हैं इन्हीं सियासी जमातों के, क्या उनको बहुत से अहम फैसले खुद नहीं करने चाहिए? इसी सवाल के साथ मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा, मगर पहले एक झलक आपको एक सियासी जमात तहरीक इंसाफ की, जिसमें इमरान खान जो है वो ये ऐलान कर रहे हैं कि अब जो पब्लिक फंड्स हैं या तरक्याती फंड्स, जी हमारे साथ ही हैं तहरीक इंसाफ के, बल्कि उनकी एक झलक आपको दिखाएंगे जिसमें कुछ अहम ऐलानात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के हवाले से। जी जैसे ये सेशन शुरू होता है, इसमें सबसे पहला कानून जो आप पास करने लगे हैं वो नया एहतसाब लॉ है। ये पहले से भी ज़्यादा ताकतवर एहतसाब है, यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड एहतसाब सेल बनने लगे जो पहले से था, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा के हमने उसकी पावर्स लिए हैं। ये आप देखेंगे उससे भी ज़्यादा ताकतवर है। ये तो एक एहतसाब के कानून के हवाले से था, मगर जो अहम ऐलान था वो ये था कि पब्लिक फंड्स जो हैं आइंदा वो लोकल बॉडीज़ को मिलेंगे और एमपीएस को नहीं मिलेंगे। ये पब्लिक फंड्स के हवाले से फैसला भी सियासी जमात के सरबराह तहरीक इंसाफ के सरबराह अस्कुत कर रहे थे। तवक्को ये की जा रही थी कि पब्लिक फंड्स के हवाले से फैसले जो हैं वो वज़ीर आला भी करेंगे या वो कर सकते हैं जिन्होंने इन फंड्स की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया हुआ है या हलफ उठाया हुआ है। ये तो खैर एक मिसाल थी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगा डॉक्टर सफदर अब्बासी से, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलहदगी अख्तियार की और बड़े मखसूस सियासी हालात और वाक़ात में बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद। डॉक्टर साहब पहले ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से पहले और बाद में क्या वहाँ पर फैसले सही मानों में पार्टी करती थी, और उनकी शहादत के बाद ये मामला किस तरफ गया? पहले थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन अपना मतीला, बेसिकली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर्स जो है ना, ये हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल दोस्त आती हैं उनको, ताकि क्योंकि बहुत से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे थे, और बेसिकली आज पीपीपी जो है ना, ये जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में जिसको आप बात करते हैं ना, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं या अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये पीपीपी पार्लियामेंटेरियन के अरकान हैं, पीपीपी के नहीं है। पीपीपी एक सेपरेट टेक्निकल रीजन हो, नहीं नहीं सेपरेट एंटिटी, जब से रजिस्टर कराई इन्होंने जाके पीपीपी, तो एक सेपरेट एंटिटी है और उसकी रजिस्ट्रेशन को चैलेंज किया हुआ है नाहिद खान साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में। वो तीन साल से केस पेंडिंग, हम चाहेंगे कि उस केस का फैसला हो तो फिर हम डिटर्मन करेंगे हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन बहरहाल ये हमने एक प्लेटफॉर्म जरूर बनाया है कि ताकि जो है हम एक आइडियोलॉजिकल वर्कर्स को इकट्ठा करें, और हमने अभी माशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ा लाड़काना में, वहाँ पर तकरीबन कोई 73 काउंसलर्स लाड़काना में पीपी वर्कर्स के हैं, और जुल्फकार मिर्जा साहब के भी 26 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मेम्बरान हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, तो ऐसे ऐसे हमारी दोस्तों की तादाद जो है यकीन बढ़ रही है। लेकिन बात यह कि बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ, मतलब ये अंडरस्टैंड पार्टी का ये जो तनजुली आप नज़र आ रही है, हम तो 8 साल पहले ये कह रहे थे कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो ये पार्टी इस तरफ जाएगी, तो आज ये तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड जो है एक राय बन गई है कि पीपीपी आज वो जमात नहीं रही जो आज से 2007 में मुतमा की शहादत से पहले थी। यकीनन मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा एक बात कंसीड की है कि भुट्टो साहब के टाइम में भी या बीबी के टाइम में भी गलतियाँ ज़रूर हुई होंगी, लेकिन ये कि उनकी जो पर्सनैलिटीज़ थी और उनकी जो करिश्मा था और वो जो पार्टी एज एन इंस्टीट्यूशन बिहेव करती थी, तो हमारी बहुत सी गलतियाँ उसमें छुप जाती थी। आज प्रॉब्लम यह है कि वो कैपेसिटी नहीं रही, वो लीडरशिप नहीं रही, और उसके न होने की वजह से ये जो जो आज आपको चीज़ नज़र आ रही है, इसमें न इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है न डेमोक्रेटाइजेशन है, तो उससे उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पार्टी ऐसा ऐसा जो है स्पेस गंवा रही है, और अब जाके वो 10 या 12 सिंध के अजला पे पहुंच गई, और वहाँ पे भी एक सीरियस क्राइसिस है जो आपको ये नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर बने हैं तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी 5-6 माह में जो है हमें नज़र आ जाएगा। मगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मुराद अली शाह साहब कायम अली शाह साहब की जगह आ भी जाएँ तो फैसले फिर भी अगर आसिफ अली जरदारी ने दुबई बैठ के करने हैं, तो फिर वो जो हलफ उठाया जाता है बतौर वजीर आला, उसकी कोई रेलिवेंस तो आपको नजर आएगी? आप समझते नहीं, लेकिन इस वक्त ये सिंध की जो गवर्नेंस है जो पिछले 8 साल से उस पर बात कर रहे हैं, बुनियादी बात है कि वहाँ पे पावर सेंटर्स बन गए, वहाँ पे वो पावर सेंटर्स हैं जो कि बाद अनइलेक्टेड हैं, और बाद अगर इलेक्टेड भी हैं तो हलफ नहीं उठाया होना। जो आप बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने आइडेंटिफाई की है कि जो शख्स जिस काम के लिए होता है जब तक उसका हलफ उठाता है
तो उस हलफ के तहत उसको बिहेव करना होता है। अब इस सूरत हाल ये कि ये जो मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हैं और साईं कामिल शाह माजिद के साथ कुछ वैसे कमजोरी उन्होंने भी दिखाई कि वो उन्होंने पावर सेंटर्स को रोकने की कोशिश नहीं की, उनसे अलग होने की कोशिश नहीं की, उसकी वजह उसके उसकी नतीजा ये हुआ कि वो कंसीड करते चले गए और उनके बारे में जो तासुर था आवाम के अंदर वो इतना ख़राब होता चला गया। हालांकि वो एक सीनियर पार्टी के लीडर है, मैं ज़ाती तौर पर उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन चूंकि वो उनका हाथ नहीं रोक सके जो उनको ये गलत राह पे डाल रहे थे, तो उसका नतीजा है। अच्छा, और अगर मुरादर शाह साहब यही कुछ करेंगे तो उनका भी यही आगे चल के, क्योंकि आपका ताल्लुक लाड़काना सिंध से भी है, तो आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और तरक्कीों में भी मुदाखलत हो रही थी हर चीज़ में जी। देखें आज ये बात करते हैं कि फाइनेंसिस की, सिंध के फाइनेंसिस का बड़ा घर क्यों हुआ? सिंध के फाइनेंसिस का आज जो वहाँ पे है जो अपने उस पर जो टोटल कंट्रोल जो है, और शाह साहब जो है ना फाइनेंस के एडवाइज़र रहे, फाइनेंस के मिनिस्टर रहे, तो अब सबसे पहले तो शाह साहब को अपने आप को जो है ना उठाना पड़ेगा, एक्सप्लेट करना पड़ेगा उस सारे 8 साल के गन से जो जिसके अंदर वो भी ज़ाती तौर पर किसी न किसी हद तक शामिल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जो इन्फ्लुएंस है, जिस मैं पावर सेंटर्स की बात की, या जदाई साहब हों या उनके खानदान हो, वो लोग यकीनन जो है ना सिंध के अंदर जो उनका इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था जिसके नतीजे में आज शाह साहब का ये हालत हुई, आगे शायद मुरादर शाह साहब की भी यही हालत। चले हम साबर बलोच साहब की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल में उन्होंने काफ़ी सब्र का मुजाहरा भी किए हैं। बलोच साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि कायम अली शाह साहब ने बतौर वज़ीर आला एक हलफ उठाया था, तो वो हलफ के मुताबिक उन्होंने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल शायद इतना आज़ादाना तरीके से नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था, और बहुत से अहम फैसले जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने दुबई में बैठ के किए, क्या ये हकीकत नहीं है? देखिए मती भाई, इस चीज़ को आप यानी जहन में रखें कि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी बैसित अदारे के और उसकी लीडरशिप यहाँ के हकूमत अच्छा करे या बुरा करे उसकी जिम्मेदार है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी है। लोग आवाम पीपल्स पार्टी से पूछेंगे, उसकी लीडरशिप से पूछेंगे, उसके कायदीन से पूछेंगे कि भाई आप अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आपको मैं नहीं समझता हूँ कि यानी जो चीफ मिनिस्टर पहले कायम अली शाह थे या आज मुराद अली शाह हैं या होंगे कि उनको फ्री हैंड नहीं, फ्री हैंड तो डेफिनेटली है, लेकिन एक चेक भी तो लीडरशिप का लाजम है। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी ये प्रैक्टिस आज भी जारी है, दूसरे जो जमातें हैं तहरीक इंसाफ है या मुस्लिम लीग है, इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं इवन इन यूनाइटेड अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी ने अपने कन्वेंशन करके नॉमिनेट किया। आप अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, डेमोक्रेट्स ने भी पार्टी से पूछ के फैसले करते हैं जी, आप क्या बात कर रहे हैं? सर बात यह है कि नहीं देखो ओबामा नहीं ऐसा नहीं है जी, मैं अर्ज कर लूँ आपको कि देखो यानी पार्टी लीडरशिप से पूछना या पार्टी लीडरशिप की राय देना या पार्टी लीडरशिप अपना राय खुद दे दे, तो इसमें ये तो एक नेचुरल कोर्स है, ये तो एक उसकी जिम्मेदारी है, उसका 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 हक है, उसकी वो उसका पाबंद है कि वो उसके जो पार्टी के गवर्नमेंट है उनके जी पॉलिसियों का पाबंद होता है वज़ीर आला, रोजमर्रा के इंतजामी अमूर में पार्टी के सरबराह के हुक्म का पाबंद नहीं होता क्योंकि पार्टी के सरबराह ने हलफ नहीं उठाया होता। पाबंद देखो मेरी नहीं देखो वो जो एग्जीक्यूटिव होता है प्रोविंस का वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो हमेशा पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट आजाद और खुद मुख्तार वज़ीर आला रहे हैं, लेकिन बात पॉलिसीज मैटर्स पे वो यकीनन वो जरूर वो लीडरशिप को एतबाद में लेंगे और लीडरशिप को भी चाहिए। अच्छा बलोच साहब ये बताएं कि वो भी मेरे ख्याल में जो जो सियाने हैं जो सियासत के उस्ताद हैं वो ये कहते हैं कि सियासी जमात सिर्फ और सिर्फ अपने मंशूर के हवाले से अपने नुमाइंदा वज़ीर आला से जवाब तलब कर सकती है, रोज़मर्रा के मामलात में उसके फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती, और रेंजर्स के अख्तियारात का मामला जो है इसका पार्टी के मंशूर से कोई ताल्लुक नहीं था, और ये बाकायदा तौर पे आपकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि आसिफ अली जरदारी फैसला करेंगे। क्यों करेंगे? एक गैर मुंतखब आदमी जिसने हलफ नहीं उठाया वो वज़ीर आला की जगह कैसे फैसला कर सकता है? भाई देखें मती भाई, अगर आप जिसकी बात करें वो पार्टी का सरबराह है, देखे ना जी आप ये बात तो जानते हैं, पार्टी के सरबराह के पास क्या अख्तियार है? बलोच साहब इंप्लीमेंटेशन आइन में क्या अख्तियार है पार्टी के सरबराह के पास? ये कानून पढ़ाए आप बताएं। आप मेरी अर्ज सुने, आप देखे जी मैं इसी पे तो आ रहा हूँ ना। देखो
पीपल्स पार्टी डेफिनेटली जिस सूबे में हुकूमत में है वो अपने मंशूर की इम्प्लीमेंटेशन चाहती है। अब इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? सिंध की गवर्नमेंट करेगी। अब इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मेदार कौन है? बेसिकली पीपल्स पार्टी खुद है और उसकी लीडरशिप है, और उस लीडरशिप का फर्ज बनता है, मतलब जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी हैं, हुकूमत पे चेक करें हुकूमत की बड़े-बड़े फैसले होते हैं उसमें। बलोच साहब, हुकूमत की कामयाबी या नाकामी की जवाबदेही जो है वो आसिफ अली जरदारी करेंगे या कायम अली शाह करेंगे अवाम के सामने? कल को अगर नाकामी खुदा ना खास्ता हुई, नहीं जी नहीं नहीं, कल को आसिफ अली जरदारी साहब से पूछा जाएगा, कायम अली शाह से कोई भाई। बात यह है कि इब्तदाई तौर पर जो आपका टॉपिक है उसमें ये चीज जो है बुनियादी तौर पर देखना पड़ेगी कि लोगों ने कायम अली शाह को वोट दिए थे, नाम उनके नाम पर दिए थे या भुट्टो फैमिली के नाम पर दिए थे, लोगों ने इमरान खान के क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी को वोट दिए थे या परवेज हटक को वोट दिए थे। तो हम ये देखेंगे, और इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब के पे भी अप्लाई होगा कि उनके जितने भी लोग मुंतखब हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब के नाम पर या कराची अल्ताफ भाई के नाम पर लोग वो वोट डालते हैं या मुख्तलिफ अशखास के नाम पर डालते हैं। तो ये एक चीज है कि जो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि उसके बाद सियासी कायदीन की जिम्मेदारी होती है कि जो डेवोल्यूशन उन्हें करना चाहिए कि वो मेरिट की बुनियाद पर पुअर और क्लास जो मेरिट के बुनियाद पर जो काबिल सलाहियत लोग हैं उनको ऐवान पर देकर आए या अपने रिश्तेदारों को, भाई बंधुओं को, भांजे भतीजों को वो लेकर आए, वो प्रमोट करें। ये बॉन्डेड लेबर होती है और इसी तरीके से जो है वो साहब, मैं आपकी बात सर आंखों पे, मैं अपना सवाल फिर दोहरा देता हूँ। आप नहीं समझते कि सियासी जमातों को या उन जमातों के सरबराहान को हुकूमती और इंतजामी मामलात में रोज़ाना की बुनियाद पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों ने हलफ उठा रखा है अवाम की खिदमत करने का उनको आज़ाद होना चाहिए अपने फैसलों में? वज़ीर आला हो गए। असूली तौर पर मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, बहैसियत एक सियासी वर्कर के, एक आम सियासी कारकुन के। लेकिन पाकिस्तान में जो सियासी जमातें और सियासी हुकूमतें और जमहूरियत की जो हमारे हाँ जो मद्दोजर रहा है, जो उतार चढ़ाव रहा है, मैं समझता हूँ ये वो एक एवोल्यूशन प्रोसेस है, ये एक वो इर्तकाई सफर है कि जिसको आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत पनपेगी तो हमारे जमहूरी रवैये भी पनपेंगे, और वो मेरे ख्याल से यही होना भी चाहिए असूली तौर पर कि जब आप जिस शख्स को किसी भी सूबे का वजीर आला मुंतखब कर दें तो फिर उसको मुकम्मल तौर पर बागडोर उसके पास होनी चाहिए कि वो सूबा उसके उसकी बेबी होनी चाहिए कि वो जिस तरीके से उसको ग्रो करे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो रेंजर्स के अख्तियारात का मामला है, क्या ये फैसला एक वजीर आला को नहीं करना चाहिए या फिर एक गैर मुंतखब आदमी जो कि पार्टी के सरबराह आसिफ अली जरदारी? क्या ये पार्टी का मामला है रेंजर्स के अख्तियारात या मुफादियामा का मामला है जिसका फैसला वजीर आला को अपने हलफ के मुताबिक करना चाहिए? देखिए, यकीनन करना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस मामले में चूंकि वजीर आला साहब जो हैं वो एक तो काफी ज़ईफ़ुल अमर भी हैं और काफी बुर्दबार होने के साथ साथ वज़ादार भी हैं, वो इस्टैब्लिशमेंट से उस तरीके से बात शायद नहीं कर पाए जो किसी जगह पर ताज हैदर साहब ने भी एतराफ किया कि जिसको मुनासिब फिर ये समझा गया कि कोई एक ऐसा नौजवान वजीर आला लेकर आया जाए जो इस्टैब्लिशमेंट से वो जवाब दे सके कि जो पार्टी की पॉलिसी को टो कर सके, पार्टी पॉलिसी को टो कर सके। मुझे आखिर में ये बता दें, आपके जो वज़रा जब हुकूमत में थे MQM के सूबाई सतह पे और वफाकी सतह पे, तो क्या वो बहुत से फैसले आज खुद करते थे या MQM के कायद लंदन से हदायत लेते थे? देखिए, बात यह, मैंने जैसे आपसे मतीउल्लाह भाई कहा था कि चूंकि पार्टी जो अवाम वोट करती है वो अल्ताफ हुसैन को वोट करती है, वो भुट्टो को, अल्ताफ नवाज शरीफ को और इमरान खान को वोट करती है। मगर इफ्तखार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने, इफ्तखार साहब, अल्ताफ हुसैन साहब ने आईन पे हलफ तो नहीं उठाया होता? गाइडेंस जरूर लेते हैं, क्योंकि गाइडेंस जरूर लेना चाहिए, लेकिन उसमें इख्तलाफी पहलू भी आते हैं, उसमें मुशावरत भी होती है। लेकिन आपकी बात से मैं बुनियादी तौर पर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं मुत्तफिक के जिन्होंने हलफ उठा रखा है हुकूमती अहदेदारों ने,
हर इन्फ्लुएंस से पाक बाहर होना चाहिए, बाहर होने चाहिए, फैसलों में भी आजादी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बात आपने एग्री भी किया इस मामले से। मैं साबर बलोच साहब आपकी तरफ ही आऊँगा क्विकली, मुझे ये बताया रेंजर्स के जो अख्तियारात का मामला है, ये तो एक इंतज़ामी मामला है, मुफाद आमा का मामला है, और एक वज़ीर आला को अपने आईनी हलफ के मुताबिक बग़ैर किसी बैरूनी मुदाखलत और असर के फैसला करना है, तो क्या ये एक पार्टी पॉलिसी और मंशूर का मामला है रेंजर्स के अख्तियारात? क्या ये आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी अगर दुबई में बैठ के आसिफ अली जरदारी से इस मामले पर भी फैसले लिए जाएँ? नहीं, देखें इसमें आईन की क्या खिलाफ वर्जी हो गई मती भाई, बात बेसिकली ये है कि देखो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है जाहिर है कि वो जिम्मेदार है इसका और उसकी जिम्मेदारी है। क्या वो एक पोस्ट ऑफिस है, वो एक डाकिया है? पार्टी देखें, पार्टी देखें, पार्टी पार्टी इन पावर है सिंध में, उसमें पार्टी लीडर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, उसको आप पार्टी अफेयर से अलायदा नहीं कर सकते। ठीक, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने जो उसी पार्टी के नॉमिनी हैं उन्होंने अगर पार्टी के सरबराह से अगर मशावरत की या उनसे किसी किस्म की कोई मदद मांगी इस सिलसिले में तो उसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? अच्छा, आप कह रहे हैं मदद मांगी है, तो अब कल आपकी पार्टी ने ऐलान किया कि इसका फैसला आसिफ अली जरदारी करेंगे, आपकी पार्टी ने ऐलान किया था ये एक सर नहीं पार्टी ने तो ऐलान देखो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आपको, आप सही फरमा रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि मैं कहता हूँ देखो ये हक बनता है, ये राइट बनता है पार्टी के सरबराह का कि वो चेक करें अपने पार्टी को, बाद औकात बड़े बड़े मसाइल आ जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह आपने रेंजर्स के इख्तियारात का मामला किया तो वो जाहिर है कि वो अपने पार्टी के सरबराह से मुशावरत करेंगे और एक कंसेंसस बिल्डअप करके फिर उसके बाद काम करना तो चीफ में हमारी कोशिश है कि वही करेगा, सियासियत के माहिर वही करेगा, सब कुछ वही करेगा, सब कुछ वही करेगा, लेकिन वो एक मुशावरत होती है। प्रोफेसर मोहम्मद वसीम से भी हम टेलीफोन पर राबता करें, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों के ऊपर तहकीक भी की, उनकी किताब भी आई, एक वक्फे के बाद हम उनसे बात करेंगे। प्रोफेसर वसीम सी बन चुकी है, कुछ समझ नहीं आता, बहुत से फैसले जो कि अपने हलफ के मुताबिक हुकूमती अहदेदारों को करने चाहिए वो फैसले आप मुल्क से बाहर पार्टी के सरबराहान कर रहे हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है प्रोफेसर मोहम्मद वसीम ने, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी जमातों से मुतालिक किताब भी लिखी। प्रोफेसर वसीम बहुत शुक्रिया, हमें ये बताएं कि मिसाल के तौर पे अब ये रेंजर्स के अख्तियारात का एक मामला है, एक वज़ीर आला ने आइन पे हलफ उठाया है कि वो मुफाद आमा में बग़ैर किसी खौफ और लालच के फैसले करेगा, तो क्या ये रेंजर्स के अख्तियारात का मामला भी कोई ऐसा पार्टी का मामला है कि ये फैसले भी पार्टी के सरबराह करेंगे? जी, जैसा कि आप जानते हैं ये जब भी किसी एक पार्टी की हुकूमत होती है किसी सूबे में और दूसरी जगह यानी सेंटर में ना हो, जैसे कि डीएमएल के केस में है, ये सूरत जो है जैसे सिंध में और केपी में है, वहाँ पे ये शिकायत आई है सामने कि पार्टी के सरबराहान अब तरह से अपने जो डिसीजंस हैं वो सुपर इम्पोज करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इससे मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि उसका मुकाबला होना चाहिए पंजाब के साथ, कि पंजाब में सेंटर की लीडरशिप और प्रोविंशियल लीडरशिप के दरमियान एक तरह का रابطہ, एक तरह की ट्रस्ट की कैफियत है, इसलिए वहाँ पे ऑटोनोमी ज़्यादा है। लेकिन सिंध में जो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सिंध में जो कुछ हो रहा है वो डिसीजन बाहर से लिए जा रहे हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कि वो सरबराह जो है पार्टी का वो बाहर है, तो दूसरा ये है कि हाई कमांड जो होती है पार्टी की वो अपना इनिशिएटिव अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है जब उसके पास सेंटर ना हो। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जरदारी साहब अपनी मर्जी से तो बाहर है नहीं, वो किसी न किसी हवाले से बाहर है, और दूसरा ये कि उनके पास सेंटर की हुकूमत नहीं है। मगर जब भी हुकूमत नहीं होगी जो आईन पे हलफ कैफियत पैदा होगी। जी प्रोफेसर, जो हलफ उठाया जाता है वज़ीर आला की तरफ से कि मैं मुफाद आमा में तमाम फैसले करूँगा, उस हलफ वो हलफ इररेलेवेंट हो जाता है जब गैर मुंतखब लोग बतौर पार्टी सरबराह फैसले करते हैं, जैसे कि रेंजर्स के अख्तियार जैसा एक इंतजामी मामला है।
नहीं देखिए, बाहर भी मुल्कों में पार्टी हाई कमांड काफी ताकतवर होती है, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी हाई कमांड सिर्फ एक आदमी तक महसूस हो जाती है जो पार्टी लीडर है। इसलिए आपका ये शिकवा भेजा है कि ये पार्टी की हाई कमांड फैसले करे तो वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे मुर्तकिज हों ये सारे इख्तियार सिर्फ एक शख्स के हाथ में, तो लगता यही है कि ये इस तरह से एक तरह से पॉलिटिकल रियलिटी तो रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली इसको कहा जा सकता है कि पार्टी डायनामिक्स जो है वो ऑपरेट कर रही है, हालांकि ऑटोनोमस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑपरेट करना चाहिए आपने जो मुस्लिम लीग की मिसाल दी पंजाब और वफाक की, उसकी वजह यह भी है कि शायद जो पार्टी के सरबराह हैं वो हुकूमती अहदेदार भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, तो उनको पार्टी और हुकूमत में शायद उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती राबते की या मशवरे की। मैं ये कहूँगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है पंजाब में, उसको उसके हवाले से सेंटर को ख़तरा नहीं है, नवाज शरीफ की जो हुकूमत है वो उतना एक क्वांटम ऑफ ऑटोनॉमी दे सकती है, अफोर्ड कर सकती है पंजाब को, लेकिन सिंध के हवाले से ये नहीं मुमकिन होता। ताकि जो पोस्टिंग और ट्रांसफर और प्रमोशंस के ऑर्डर हैं यहाँ तक भी इत्तलात होती हैं कि वो भी पार्टी के लोग तय कर रहे होते हैं, वज़ीर आला और वज़रा जो हैं बेबस होते हैं। जी मैंने यही, अगर मैं अगर कोई मुकाबला करूँ तो मैं यही कहूँगा कि केपी में सुना है कि इस तरह की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स कम है, सिंध में ये बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वसीम, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर सफदर भाई साहब, एक बात जो वसीम साहब ने की, वसीम साहब जी आप बोले, वो ये कि पंजाब में प्राइम मिनिस्टर इतनी अटॉनमी दे सकते हैं और दूसरे सूबों को नहीं देंगे। बात यह कि ये प्रोरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का नहीं है कि किसको क्या कितनी अथॉरिटी देंगे या किसको कितनी अटॉनमी नहीं दे सकते, ये तो आईनी आईनी बात है, ये एक आईन है कि जो सूबों को अटॉनमी देती है। हम आपके पास आएंगे, सफदर भाई बैठे हुए, वो उसका एक हिस्सा रहे हैं जी। देखिए यहाँ पर तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है सफदर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो आप जिस दौर में पीपल्स पार्टी के अंदर रहे, ये वो दौर था जब पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बड़ी साजिशें भी होती रही। आप 1990 के इंतखाबात में जो इल्ज़ाम लगा जिस तरीके से मुस्लिम लीग को फंडिंग की गई खुफिया इदारों की तरफ से, वो और फिर पार्टी के अंदर फिर PMLQ जिस तरीके से बनाई गई जनरल मुशर्रफ के दौर में उसको पैदा किया गया, तो क्या ये फैक्टर्स भी हैं कि पार्टी की क़ियादत को जो खौफज़दा कर देते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियारात जो है पार्टी की क़ियादत अपने हाथ में रखने की कोशिश करती है ताकि इस्टेब्लिशमेंट की इन साजिशों का मुकाबला किया जा सके, क्या ये फियर फैक्टर है? देखिए जी, मतलब बात यह कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक फिनोमेनन तो मतलब ट्रंकेटेड ही रहा ना, और फिर ये कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है ना मुख्तलिफ सूरतें पैदा होती रहीं, जहाँ पे डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के दरमियान हम जो है ना फिट करते रहे मुख्तलिफ अदवार के अंदर। अब प्रॉब्लम यकीनन एक ये फेयर फैक्टर हो सकता है, लेकिन अब सवाल ही पैदा होता है कि जी अगर हम डेमोक्रेसी रखना चाहते हैं या पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, तो डेमोक्रेसी मेरी नज़र में एक तर्ज ज़िंदगी है। आप डिक्टेटरशिप का या फौजी इंट्रूजन का तब मुकाबला कर सकते हैं जब आप आवाम को ये बताएं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये जेन्युइन डेमोक्रेसी है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी है, और ये आपको डिलीवर कर रही है, आपके मसाइल को हल कर रही है, आपके प्रॉब्लम्स को देख रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे आज पाकिस्तान के अंदर ये है, खास तौर पर गुज़िश्ता 8 साल के अंदर, पिछली मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, गुज़िश्ता 8 साल के अंदर कि यहाँ पे सियासतदान आज रेट्रोग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और जिस तरफ आप इशारा करें फौज की तरफ, फौज यानी पाकिस्तान के जो पॉपुलिस्ट जो इशूज़ हैं उनके ऊपर वो बोल रही है। आज फौज ज़्यादा बोल रही है करप्शन के ऊपर, आज फौज ज़्यादा बोल रही है टेररिज्म के खिलाफ, आज फौज ज्यादा बोल रही है लॉ एंड ऑर्डर। और इसकी वजह ये भी है ना कि फौज को कोई खतरा नहीं है, फौज को कोई खतरा नहीं है किसी से, मैं वही कह रहा हूँ ना, मगर हमारे पार्टीज को, हमारे सियासी निजाम को हर वक्त खतरा है। देखिए वजह क्या है, देखिए फौज की फजा तो है, वजह क्या है, वजह उसकी ये कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रांग नहीं कर सके। अब डेमोक्रेसी से आप ये पोलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में डेमोक्रेसी तब स्ट्रांग होगी जब पोलिटिकल पार्टीज इंस्टीट्यूशनलाइज होंगी, पोलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग होंगी। इस तरह नहीं कि पार्टी लीडर उठ के डायरेक्शन दे रहा होगा, लेकिन जेन्युइनली पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना लगेंगे पॉलिटिकल पार्टीज। आज तो ये खानदानी विरासतें हैं, आज तो ये दे आर फैमिली फ्यूडम्स। अब ये फैमिली फ्यूडम्स वर्सेस जब आप आईनी इदारों की या आईनी उनकी बात करते हैं, तो यकीनन ये बैकफुट पे नजर आते हैं जब ये लोग जाके अपनी इंट्रूजन करके जबरदस्ती
फैसले मुसलत करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, खानदानी जागीरें बन गई। बिल्कुल, मगर एक सवाल है, एक डेविल्स एडवोकेट, मतलब कि अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, जिस मुल्क में सियासी जमातों और सियासतदानों की खरीदो फरोख्त की जाए, नई सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट बनाए, सरकारी पैसे से बनाए, उस मुल्क में जो सियासी कायदीन हैं वो अपने बाएतमाद और अपने रिश्तेदारों पर एतमाद किए बगैर उनका गुजारा कैसे होगा, वो कैसे उन पार्टीज को बरकरार रख सकेंगे ऐसी साजिशों के होते हैं। विशेष है ना, आप मानते हैं ये फियर फैक्टर है कि नहीं? सवाल है हम इससे किस तरह निकले। मतलब देखिए, ये 8 साल हमें मिले, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया हमने, एक बड़ा बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट्स बनी, दो गवर्नमेंट्स बनी, कि जरदारी साहब ने 5 साल कंप्लीट, ये अच्छी बात हुई कि उन्होंने 5 साल कंप्लीट किए, हो सके अल्लाह करे नवाब मियां साहब भी जो ना 5 साल कंप्लीट करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपका जो फसाड है डेमोक्रेसी का, वो जो है ना वो विरासतों में तब्दील हो जाए, जहां आप अवाम को डिलीवर नहीं कर सके। प्रॉब्लम ये हो रहा है, देखें ये डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं कर रही, ये फियर फैक्टर है कि नहीं है? बेशक हो, ये पार्टियां जो फैमिली फ्यूडम बनी है, ये बेसिकली फियर फैक्टर की वजह से है। लेकिन सवाल कि ये किस विषय से किस तरह रिलाइज करने के लिए, बाय हैविंग डेमोक्रेसी विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज, इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। अगर आप इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, और आप जानते हैं कि जब भी इस मुल्क में डेमोक्रेसी आई है, चाहे मुल्क की सतह पे या पार्टी की सतह पे, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के जो स्टूजेस हैं, जो प्लांटेड पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने अपने कार्रवाई डाली है कि नहीं डाली? बिल्कुल डाली है। लेकिन तो फिर ऐसे होते हुए अब मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब अगर भाई को अगर वजीर आला नहीं लगाएंगे तो किस सियासतदान पे एतबार करें आजकल के दौर में? नहीं, लेकिन सवाल ही पे तो किस पे एतबार करें? देखिए ना, लेकिन फिर मगर ये करना पड़ेगा। नहीं, जब वो करते हैं तो ये क्रिटिसिज्म आता है ना, करना पड़ेगा। सवाल ये पैदा होता है, ये करना पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि देखिए, पहली दफा लेट्स बी ऑनेस्ट, देखिए मैं सारी जिंदगी फौज से लड़ता रहा हूँ, मैं सारी जिंदगी एंटी मिलिट्री रहा हूँ, उनकी जो इंट्रूजन्स हैं पॉलिटिकल स्फीयर में उसके खिलाफ रहा हूँ। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि गुज़श्ता जो ये हमें स्पेस मिली जनरल कैनी की तरफ से या जनरल राहील शरीफ की तरफ से, क्या हम सियासतदानों ने उस स्पेस को इस्तेमाल किया? वाकई स्पेस मिली नहीं? मिली, डेफिनेटली मिली। आप कैनी लुगर बुल का अमेरिका का मामला भूल गए? जनरल कैनी साहब को दी गई थी, वो टेक ओवर कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब, मैं सवाल करूंगा पहले आपसे। देखिए, सवाल आपसे भी यही है, एक तरफ तो आप कहते हैं ये खानदानी विरासतें बन गई हैं सियासी जमातें, मगर दूसरी तरफ जो हमारी तारीख है वो इतनी भयानक है कि आप लोग ही, जब माशाल्लाह उस वक्त शायद आप भी सर्विस में होंगे, जब इतनी इतनी घिनौनी साजिशें होती रही हैं, 90 में जिस तरीके से सियासी पार्टियों के इंतखाबात चोरी किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है, FIA को कार्रवाई का कहा है, उसके बाद जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म को ज़बरदस्ती इस्तीफे दिलवाए गए, इन साजिशों के होते हुए पार्टीज कैसे अपने आप को जो है वो डेमोक्रेटाइज करेंगी? वो तो एक फियर फैक्टर है। इनको फौज कहती है कि आप जाके दुबई से पूछें या लंदन से पूछें क्या फैसला करना। फौज तो ये चाह रही है कि एक इदारे का फैसला हो, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, रेंजर जो है वो अपना काम करें। उनको फौज कह रही है, फौज तो ये नहीं चाहती कि आप आसिफ अजल जरदारी से पूछें या अल्ताफ हुसैन से पूछें। फौज तो उनको ये नहीं कह रही कि आप अपनी जमात को इदारा ना बनाएं। आज सियासी जमातों की हालत वो है कि जैसे भट्टे का मालिक होता है और लेबर जो है उसकी बॉन्डेड लेबर होती है, सियासी जमात का जो मालिक है वो भट्टे का मालिक है और बाकी जो MNAs हैं वो बॉन्डेड लेबर है। ये कौन सी सियासत है जी कि आप वजीर आला बन गए, आप वजीर आजम बन गए, आप सूबे के बन गए या कहाँ के बन गए, आप फैसला ही कोई ना कर सके। मैं आसिफ अली जरदारी से पूछूंगा, मैं फलाने से पूछूंगा। ओ भाई, आपको ने तो रियासत के लिए काम करना है और क्या फौज इनको कहती है कि आप अपना काम ठीक ना करें? मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरी फौज की ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि फौज के अंदर आप बेशक हंसें लेकिन फौज के अंदर टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक प्लेन्स जो बनते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा जम्हूरियत है, मतलब एक सेकंड लेफ्टिनेंट उठ के एक जनरल को कह सकता है कि आई डोंट एग्री विद दिस ऑपरेशन प्लान, माय रीजंस आर दीज एंड ही इज फुली ऑथराइज्ड टू डू दैट। एक आर्मी के मेस के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट के वही राइट्स हैं जो एक जनरल के राइट्स हैं। मगर एक आर्मी का चीफ जो है जब अपनी फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाता है, ही कैन नॉट बुलडोज हिज वे थ्रू, he has to listen to his operational commanders. मगर तो आज मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ये रोना रोती रहती है असेंबली के, नवाज शरीफ साहब असेंबली में नहीं आए, ये को देखिए दुनिया की जमहूरियत है जिनकी ये नकल करने की कोशिश करते हैं,
ये 50 दिन उधर लेटे रहे, महीना है कि उधर लेटे रहे। देखिए बात ये कि कौन सी जमहूरियत में, बड़ी अच्छी बात की, कौन सी जमहूरियत में होता है। देखिए बात ये है कि आज सियासी जमातें जो है, सियासी जमातों को अपने अंदर देखना चाहिए। ठीक है, सियासी जमातें जब तक, सियासी जमातें, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब तक सियासी जमातें अपनी जमात को इदारा नहीं बनाती, जब तक वो ओनरशिप ही उनके जागीरें हैं खानदानों की, उस वक्त तक ठीक है नहीं ठीक हो सकता। चले बगैर साहब, आपने कहा कि फौज के अंदर एक लेफ्टिनेंट को सवाल करने की इजाजत होती है, वो डिफर भी कर सकते हैं। बिल्कुल, मगर हमारी बदकिस्मती ये है और तारीख ये है कि शायद जो आज़ादी एक लेफ्टिनेंट को होती है वो आज़ादी वज़ीर आज़म को फैसले करने की नहीं होती। कौन कहता है जी, ये तो एक मिथ है। क्या वज़ीर आज़म 12 अक्टूबर 1999 को एक प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, क्या उसको नहीं माना गया, फौजी बगावत हो गई। फिर उसके बाद कारगिल के ऊपर जो वाकया हुआ, एक प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मुझसे मशवरे के बगैर किया गया। एबटाबाद में जो इतना बड़ा सानिया हुआ, उसकी कमीशन की रिपोर्ट, उसको डेटम लाइन पकड़ के ख्याल, सारी उम्र हम ये रोते रहे। सर बात ये है, गुज़िश्ता 8 सालों से जो है ना सिविलियन हुकूमत है इस मुल्क के अंदर, 8 सालों से मुकम्मल तौर पे 100% इनको कहते हैं, इनके अगर गवर्नेंस ठीक से 100% ये प्यार से प्राइम मिनिस्टर के पास रहे। मैं आपको, मैं ये मेरा भाई इधर बैठा हुआ है सिंध के हवाले से, आप कराची, सिर्फ कराची को ना देखें, कराची से आप शुरू हो और जहाँ पे सिंध खत्म होता है रहीम यार खान के पास, वहाँ तक आए, उसके शहर देख लें, उसके हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, लड़काना देख लें, नवाब शाह देख लें, उनकी जो हालत है वो देख, दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी। हालत तो मुशर्रफ के दौर में भी रही है, उन्होंने कौन सा इंकलाब ले आया। इस तरह ना करें, देखिए अगर ये फौज के अंदर डिस्कशन को आप जमहूरियत नहीं कह सकते, दैट इज बाय लॉ अ रिक्वायरमेंट, इट्स अ प्रोफेशनल थिंग। बात ये है, कंपेयर आर्मी एप्पल एप्पल विद ऑरेंजेस। बात ये है, सत्ता साहब मुझे ये बताएं, ये जो ब्रिगेड साहब ने कहा कि पिछले 2008 से आज तक जो है सिविलियन हजार बातें खराब की, ब्रिगेड साहब एक सेकंड, जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट काम करके सत्ता साहब डिलीवर किया, सत्ता साहब 2008 से 2016 तक आज तक जो सिविलियन हुकूमत रही वो सही मायनों में बाख्तियार हुकूमत थी, आप मुझे फेयरली बताएं। देखिए थोड़ा सा इसमें मतलब ये इस बात को जरूर मद्देनजर रखेंगे भाई, पहली बात तो ये कि जो मिलिट्री टेक ओवर्स हैं उन्होंने तो पाकिस्तान को उल्टा बहुत ही नेगेटिव उसमें लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है। वो चीज़ें हो नहीं सकी, मुशर्रफ का दौर हो जो एंड किस तरह हुआ, ज़िया का दौर किस तरह हुआ, मैंने जो सवाल किया उसको वो है, लेकिन सवाल ही पे तो कि अब क्या जरदारी साहब मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में, देखिए मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार तो एक हम ट्रांजिशन में थे उस वक्त, सवाल ही पे तो कि ग्रेजुअली जो असल में मुझ जैसे लोगों जो सियासी वर्कर है ना, हम एक यूफोरिया में थे। जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया 2006 में तो हम एक यूफोरिया में थे कि जी हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इनफैक्ट वो दरवाजे बंद नहीं हुए। उसकी वजह क्या है कि जहां हम ब्लेम करें मिलिट्री के मनूवर्स को, वहां हम ये भी जरूर देखें कि हमने क्या किया उसको ठीक करने के लिए। प्रॉब्लम ये कि इस विशेष सर्कल से अब निकला किस तरह जाए, उस विशेष सर्कल से निकलने की जरूरत इस बात की, मैं समझता हूँ पहली दफा जनरल राहील शरीफ के हवाले से मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने कोशिश ये की कि वो नज करें सियासतदानों को सही फैसले लेने के लिए। प्रॉब्लम ये कि सियासतदान सही, क्या ये नज करना उनके जिम्मेदारी में था? नहीं है, नहीं है, लेकिन हम क्या उनको नज करना चाहिए था? नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो नज कर रहे हैं, कोई शक नहीं है उनकी जिम्मेदारी में, नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं उनको फौज ने गिराया और उसके नतायज अच्छे नहीं निकले, इसमें शक नहीं है कि गलतियां हुई हैं जरूर फौज से। मैं साबर साहब से व्यू लेना चाहूंगा। साबर बलोच साहब मुझे ये बताएं, क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये जो जमहूरियत नहीं है, खानदानों का कब्जा है, क्या ये उस खौफ का नतीजा है कि जो खौफ जो हमारी सियासी तारीख रही है एस्टेब्लिशमेंट की, जो पार्टियों को तोड़ना फोड़ना बनाना और हुकूमतें गिराना, क्या ये उस खौफ की भी, खौफ भी एक वजह हो सकती है? देखें जो एस्टेब्लिशमेंट के जो यानी जो रोल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़ने और उनको संवारने बनाने में, वो तो खैर सबके सामने, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, लेकिन आपके पास क्योंकि वक्त भी कम है, मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर रहा हूं आपसे कि ये जो कहा गया कि जी के ये खानदानी मीरासें बन गई पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एक चीज़ मैं किसी और जमात के मुतालिक कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी जमात के मुतालिक डेफिनेटली ये कहूँगा पीपल्स पार्टी के मामले में कि देखें पार्टीज़ में बुनियादी बात लॉयल्टी होती है उस पार्टी की मैनिफेस्टो के साथ और आवाम के साथ किए गए वादों के साथ और आवाम की बेहतरी और भलाई के साथ और एक ऐसा रिवोल्यूशन इनकलाब लाना
जो पब्लिक आवाम और मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर आईनी हदूद के अंदर रहते हुए आसान काम नहीं है। तो चांद पे हुई होगी, आईनी हदूद के अंदर रहते हुए डेफिनेटली, और अपने हलफ के दायरे में रहते हुए। एक मैं जी जी मैं एक सेकंड के लिए मेरी बात सुने, देखें मैं आपसे एग्री करता हूं कि आईनी हदूद में आइन के दायरे यानी उस दायरे में इसमें सबसे बुनियादी ये आसान काम नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक, लेकिन मैंने एक चीज देखा है कि पीपल्स पार्टी में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस मेरी तो लीडरशिप ने दी है। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है प्रोफेसर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। वो मेरे ख्याल में वो पार्टी पे बार बार बात को दोहराएंगे इन कुर्बानियों के हवाले से। बीबी साहब शहीद हो गई, यकीनी तौर पे तमाम सियासी जमातें हमारी जो है, जरदारी साहब ने अपनी पूरी जवानी जेल में गुजार दी, बेशक तो ये लीड तो ये डिजर्व नहीं करता लीडर बलोच साहब, बलोच साहब कौन लीडर कौन बने? बेशक बहुत सी चीजें तारीख का हिस्सा है, सेनेटर सफदर अब्बासी साहब, ब्रिगेड रिटायर्ड टीपू सुल्तान, सेनेटर साबर बलोच, सैयद खालिद इफ्तिखार ने भी हमें ज्वाइन किया। मुख्तसर अभी बिल्कुल टाइम खत्म हो गया हमारी खबरों की तरफ जाने वाले, ब्रिगेड साहब मैं भी नेक्स्ट टाइम और आपको चांस ज़रूर मिलेगा। बात इतनी सी है कि सियासी जमातों का अपना किरदार है और अपने मंशूर के हवाले से वो अपने नुमाइंदों से, अपने मुंतखब वज़रा आला से पार्टी के इजलासों में पूछ सकती हैं, मगर जब फैसले हुकूमत ने करने हैं, वज़ीर आला वज़ीर आज़म ने करने हैं, तो उन्हें अपने हलफ के मुताबिक आज़ादाना और ख़ुद मुख्तार तरीके से अवामी मुफाद के अंदर फैसले करने होंगे। हर मामला सियासी जमात के इजलास में नहीं जाना चाहिए और ना ही सियासी लीडर के सामने जाना चाहिए जिसने आइन से वफादारी का हलफ तक नहीं उठाया होता। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।